केतु अपना रोना लेके बैठ गई। हमारे भाई की हालत देख, मंदिर में थोड़ी देर और इंतजार कर लेती तो आज हमारे भाई की यो हालत ना होती। हार तो तूने मान ली अपनी बड़ो भाभी और उस वरदान के सामने। तेरे प्यार में जरा सी भी सच्चाई होती ना तो तू इतनी जल्दी हार ना मानती, अपनी जान दे देती, पर मारे भाई को यूं अकेला ना छोड़ती। ये छुरी भी ना मारे भाई को ना मार सके, क्योंकि जो पहले से मराओ उसे कौन मारेगा। मेरा भाई ना एक जिंदा लाश के सम्मान से। क्यों के बोल रही से तू? हकीकत बोल रही से। हमारे भाई ने न जाने कितनी बार खुदकुशी करने की कोशिश की, वो तो अच्छा हुआ कि हमने उन्हें बचा लिया। अब तो सिर्फ सांस चल रही से, भानु के जैसे तो वो मर ही चुके। तू तो फिर भी जिंदा से, अपने घर में कितनी खुश थे। तेरा पति तुझसे कितना प्यार करता है, तुम्हारे भाई का के उसका तो कोई ना से। चिची ने खुदकुशी करने की कोशिश की, वो कहाँ है? हमारे कौन से मिलना से, हमारे को मिला ना उनसे। बाबूजी आप ऐसे नहीं कर सकते हो। की मतलब थारा बड़ो? क्यों तू ऐसा क्यों बोलती? आए बड़ो, इससे क्या मतलब है थारा? तू दोनों भाइयों को चुनाव के मैदान में लड़वाना चाहती है? अरे वाह, आप सब तो अपनी अपनी बोले जा रहे से। बड़ो कुछ बोल रही से उसके पीछे कोई वजह होगी, एक बार उसकी भी सुन लीजिए। एक बस भी करो छोटो, आपकी शह पाके ना आजकल ये बहुत बोलने लग गई है, कुछ ज्यादा ही बोलती है। इसको इतना भी लिहाज ना है कि सब घर के बड़े खड़े हैं, पर कुछ भी बोल देगी। अब हमारे को अच्छी तरह पता है ये जो भी बोलेगी ना सब गलत बोलेगी। गलत ही सही भाभी, इतना सुना थोड़ा और सुनने में क्या घट जावेगा, और बातें सुनने में कोई जीएसटी टैक्स तो लगता नहीं है भाभी। बोल बड़ो क्या बोलना चाहे। मन ने लगता से कि बाबूजी को यो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा,